मनुष्य होने के नाते हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य तय जरूर करते हैं, और लक्ष्य तय करते समय हमारे मन में एक बुनियादी सवाल जरूर रहता है। वो ये कि हमने जो लक्ष्य तय किया है उसको कम समय में जल्द से जल्द कैसे हम अचीव करें, हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, इसको समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है एक चीनी कारीगर की जो कि तलवारें गढ़ता था। एक बार एक व्यक्ति एक चीनी धर्मात्मा के पास जाता है और वो पूछता है कि मैं अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं। तो चीनी धर्मात्मा उसे एक कारीगर की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक राजा के दरबार में एक 90 वर्ष का तलवार गढ़ने वाला कारीगर था। एक बार राजा उसके पास तलवार गढ़ने के लिए लेके गए कि मेरे लिए एक नई तलवार बनाओ। तो उस कारीगर ने 90 साल की उम्र होते हुए भी बहुत ही बढ़िया तलवार एक ही प्रयास में बना दी, एक ही बार में बना दी। तो राजा ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर 90 वर्ष की उम्र में इतना तेज और इतनी कुशलता के साथ काम कैसे कर दिया। तो उन राजा ने उत्सुकता के साथ कारीगर से पूछा कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है और आपने इतनी कुशलता के साथ तलवार गढ़ दी कैसे। उस कारीगर ने जो जवाब दिया वो जवाब ही हम सभी को प्रेरित करेगा कि अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे अचीव करें। तो कारीगर ने जवाब जो दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। कारीगर ने कहा कि जब मैं 21 साल का था तो मैंने तलवार गढ़ने का काम शुरू किया और तलवार गढ़ना मेरा जीवन का उद्देश्य बन गया, और जीवन का उद्देश्य बनने के बाद मैंने अपने जीवन में ठान लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आजीवन तलवारें ही गढ़ने का काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। और तलवार गढ़ना मेरा उद्देश्य बनने के साथ साथ मेरी चाहत बन गई। फिर मैंने अपनी ऊर्जा को किसी और दिशा में जाने नहीं दिया, सिर्फ तलवार गढ़ने के लिए ही अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखा। यही कारण है कि मैं आज भी जो भी तलवारें गढ़ता हूँ मैं बहुत ही जल्द कम समय में बना देता हूँ, गढ़ देता हूँ तलवारों को। तो दोस्तों यही हमें करना है। हम क्या करते हैं कि हमको अगर असफलता मिलती है तो हम अपना लक्ष्य या तो परिवर्तित कर लेते हैं या तो हम दूसरी दिशा में काम करने लगते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य और अपनी चाहत बनानी होगी और अपनी पूरी एनर्जी को अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा अपने लक्ष्य की तरफ, भले कितनी भी असफलताएँ क्यों ना आ जाए। असफलताएँ आएंगी, ये प्रकृति का नियम है। असफलता के साथ आपको कुछ नया सीखना है, सीखने के बाद अपनी रणनीति को परिवर्तित करना है, ना कि अपने लक्ष्य को बदलना है। लक्ष्य तक पहुंचने वाले रास्ते को बदलना है, लक्ष्य को नहीं बदलना है। तो दोस्तों यही सीख है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सफलता और असफलता के बीच जो तीसरा रास्ता है उसे अपनाना है, उस रणनीति को अपनाना है अपने लक्ष्य की ओर पहुँचने के लिए, ना कि अपने लक्ष्य को बदलना है। धन्यवाद।